वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय इमरान फ्रॉम प्रोजेक्ट कार्स। आज ही आपको जी वैगन की अपडेट देंगे। पिछला बम्पर इसका बनने लगा है। जादी भाई भी हैं हमारे साथ। जादी भाई, क्या हाल है? ठीक है। जादी भाई आए हैं तो आज हम जीप का काम करवाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। क्यों ब्रो, वीडियो का एंड तक लगे काम कर रहे हैं। आज हम जो है ना इसको काम को करवा के उठेंगे। अभी मैं कैमरा स्विच करता हूँ। इसकी गोलाइयाँ दोनों बनवानी है हमने। क्यों ब्रो? गोलाइयाँ इसकी दोनों बनवाएंगे हम। और कॉन्स बननी है साइड में, नीचे नीचे सारी कॉन्स बननी है। ये बनवाएंगे, ये इसकी कॉन्स हैं जी जो लगनी है इसको। ये प्रेस के ऊपर बड़ी देर लगी है इसको बनवाने के अंदर। तो आपको थोड़ा सा ज़रा जीप का भी देता हूँ, अगर आपको जीप के बारे में नहीं पता और अगर आप मतलब हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको दिखा देता हूँ कि ये जीप कौन सी है। ब्रो, ये लैंड रोवर डिफेंडर है 2006। लैंड रोवर डिफेंडर है जी, ये जादी भाई की जीप है जिसको हमने कन्वर्ट कर रहे हैं G900 ब्रैबस में। बिल्कुल, इसकी पूरी बॉडी किट हार्ट से बनवाई है। बिल्कुल, बाकी इसके ओरिजिनल पार्ट्स जो हैं हमने दुबई से खुद जाके लेके आए हैं। जादी भाई साथ साथ चलते जाए, साथ साथ ज़रा दिखाते जाए, बताते थे। अच्छा, पीछे क्या क्या काम हुआ है अभी? ये पीछे ये बम्पर जो अभी फाइनल लुक नहीं है। ठीक है ब्रो, बम्पर अंदर जाना है। ओके ब्रो, साइड पे गुलाई लगनी है। ठीक है। एज यू कैन सी, ये नीचे वाली इन्होंने कौन एक किस्म की बना दी है। ठीक है, इसमें यहाँ वो लगने हैं। ये अभी तो व्यूअर्स को समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। ऐसा ही है ना? अच्छा, ये इसकी आपने लेंथ भी कम की है ब्रो, ऐसा ही है? जो लेंथ है ये 1 फीट लंबी थी, लैंड रोवर जो डिफेंडर है वो 1 फीट लंबी होती है। ठीक है, उसको हमने काट के छोटा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, डायमेंशन के हिसाब से जो G900 के ओरिजिनल डायमेंशन, क्योंकि डिफेंडर तो बहुत लंबी होती है वो रोड के ऊपर खड़ी ऊपर जो है जिराफ विंडोज आती है डिफेंडर में ना। अच्छा अच्छा, वो काट के हम लोगों ने जो है नीचे की। वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस यार। ये व्हील्स बहुत मजे की व्हील्स लेके, बहुत इंप्रेसिव व्हील्स लेके हैं। और आप ये गोलाइयाँ देख रहे हैं कि कितनी चौड़ी गोलाइयाँ डल रही हैं। क्यों ब्रो, इसके साथ फिटमेंट भी बनाएंगे अभी हम लोग। अगली गोलाई दिखाते हैं ना, समझ आ। अगली गोलाई आप देखें, ये देखें जी सर, करो काम आगे बस। अच्छा, और ये इसका फ्रंट बम्पर, ये गोलाई के ऊपर आप ये कर्व देख सकते हैं। जो सबसे इंप्रेसिव चीज है ना वो ये फ्रंट बम्पर। क्यों ब्रो? बिल्कुल ऐसे, अगर जैसा फ्रंट बम्पर बन गया ब्रो, वैसा ये आप फ्रंट बम्पर देख सकते हैं इसका। ये लोहे के अंदर पूरा इसका फ्रंट बम्पर बना है। अगर ऐसा जैसा फ्रंट बना है एग्जैक्टली ऐसा ही अच्छी फिनिशिंग के अंदर हमारा बैक बम्पर बन गया, तो आप देख सकते हैं जो गाड़ियों को समझता है ना बंदा, जो समझता होगा वो इसके कर्व देख के समझ जाएगा कि ये क्या चीज़ बन जानी है। ये बोनट के ऊपर एक लेयर देखें, दूसरी लेयर देखें, ये तीसरी लेयर देखें, वो चौथी लेयर देखें, ये जब पेंट हो जानी है गाड़ी तो ये क्या बन जानी। तो ये लैंड रोवर डिफेंडर है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं जादी भाई की गाड़ी को। इंजन इसके अंदर 5VZ है, ऐसे ही है ब्रो, 5VZ है, लेकिन इसमें हमने और इंटीरियर पे भी कोई काम नहीं किया हमने। दरवाज़ा भी बंद है इसका, इधर से दिखा देते हैं। ये जी, ये इसका इंटीरियर अभी स्टॉक हालत के अंदर है बिल्कुल। इसका ओरिजिनल जो इंटीरियर है वो हमारे पास है, डैशबोर्ड कंसोल्स, जादी भाई के पास आ रहा है सब कुछ है। वो इंशाल्लाह एक रिव्यू वीडियो उसके ऊपर भी बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार पहले देख लिया करो कि बंदा काम भी कर रहा होता है भाई, ऐसे ही आना है आपने वीडियो के अंदर। लोग जो कह रहे हैं जादी भाई डांटते हैं, वो देख ले हमारा डेंटर बात कैसे करता है। अच्छा जी, आप ये साइड देखें, अपना भाइयों वाला हमारा यार, हमारे भाई के साथ प्यार है। आप लोग हमारे मजाक को सीरियस ना लीजिएगा, हमारा शुगर है ये, आपस में हम लोग ऐसे ही बातचीत करते हैं। साइड कंप्लीट है बस, इंशाल्लाह अजली भाई के साथ ही हैं हम लोग और इंशाल्लाह इसका बम्पर कंप्लीट करवाते हैं। डिटेल्स आपको गाड़ी की सारी दे दी हैं और कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये गाड़ी की जब बॉडी शेप कम्प्लीट होती है ना, तो एक रिव्यू पूरा कम्प्लीट जादी भाई से आपको दिलवाएंगे। तो ये जो आज जो काम हो रहा है ये सारा मैं रिस्टोरेशन कॉन्टेंट इसका डाल दूंगा वीडियो के अंदर ही, तो हमारे साथ हैं और वीडियो को देखें एंड तक। थैंक यू।
ग्राइंडर लगेगा और इसको आप कंप्लीट करेंगे, LEDs इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। सिर्फ समोसे चौड़ाई रखा गया, अदरवाइज छोटा ही ठीक सी। अगर मैं बड़ा ना रखता समोसे कदी भी नहीं बनने, समोसे छोटा कर दिया वैसे पट्टी भैड़ी लगनी सी। हर चीज़ को एंगल च रखते हुए सोचते हुए तीन इंच है, 5 इंच है, 2 इंच। अच्छा ये अंदर जो पत्तियां लग रही बरीक, मैं तुम लिया दिखा बरीक ठीक है, वो 1 इंच दी है तो स्टार्ट होएगा। ठीक है जी, हाइट तो आके इनू बल्कि ए सेंटर चुनाव जी समोसा बनाया जाएगा जरा इस तरह लगेगा। ठीक है जी, शॉर्टली इंज थोड़ा जाके पेपर नाल ही मूव हो जाए, एक देखना चाहिए, एक दो तीन चार जालियां, चार ही इधर चार ही उस तरफ, पंजवीं आ जाएगी ए जो कट देंगे। ये जी इसका डिज़ाइन बन रहा है, इसके ऊपर ये कितनी और डलेंगी, 3 डलेंगी, 4 दो और डलेंगे, दो ठीक हो गया, दो हिसाब से गैप कम है नहीं आती सर वो ना इसको पेंट भी मारेंगे अभी यार, ये जंग आ जाता है इसके ऊपर बार बार, इंशाल्लाह 2-3 दिनों में इस बंपर को कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को अपडेट देते हैं। थैंक यू। प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं अली भाई, कॉन्स लगा रहे हैं इसकी, सुबह से हम लगे हुए थे करोला के ऊपर, करोला से फ्री होके आ गए हैं इस गाड़ी के ऊपर। ये सेम डे है और आप मेहनत देख सकते हैं कि एक दिन के अंदर अभी एक और जीप हमारी खड़ी हुई है जो सॉफ्ट टॉप से हार्ड टॉप करनी है, जो FJ क्रूज़र आई है आपको पता है, उसकी भी वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जल्दी काम शुरू करेंगे। तो ऐसे लाइन में गाड़ियां लगी होती हैं, अगर आप लोगों में से किसी का प्रोजेक्ट मैंने नहीं पकड़ा तो उसके लिए माजरत, हमारी आदत है कि हम लोग एक काम कम्प्लीट करके फिर अगला काम पकड़ते हैं, तो साथ साथ जिस तरह से जगह बनती है तो फिर फर्दर और प्रोजेक्ट मैं पकड़ना शुरू कर दूँगा। तो अभी मीनवाइल मैं कोई गाड़ी नहीं पकड़ा। हाँ जी भाई, क्या हाल है, ठीक है आप? ये अली भाई लगा रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है अली भाई, बहुत आला लग रही है। और हमारा एक और प्रोजेक्ट भी आया है FJ क्रूज़र का, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं यार। तो कोई बात नहीं अली भाई, शुगल मजाक अपनी जगह पे होता है ये जी, उन्होंने मेरा बहुत चेहरा, कोई बात नहीं, वीडियो भेजनी थी ना, देख मैं उनको बताना था मैं यूट्यूब स्टार हूँ भाई, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तैयार करता हूँ। क्यों ब्रो? ये जी तीसरी गोलाई अली भाई ने लगा दी, अली भाई का काम ये सारा हाथ से है, ये देख लें आप, सीधी सीधी चादरें प्रेस से निकली हैं, सारी गोलाइयाँ इनको खुद दी हैं, सारी गोलाइयाँ इनको खुद दी हैं, बड़े सही तरीके से बना रहे हैं माशाल्लाह। तो आप ये देखें अभी आज इसको हमने बम्पर को ये ना काफ़ी बाहर निकला हुआ है, इसको थोड़ा सा पीछे खिंचाना भी है, तो हमारे साथ रहिएगा आज के दिन में, अच्छी आप जाना अच्छी प्रोग्रेस देंगे इंशाल्लाह। ये जादू भाई है, देखो चने खाते थे, यस ब्रो यस ब्रो, ऐसी चीजें मिलती हैं खाने को यहाँ। नहीं यार अली भाई ने चेक भी तो खिलाया ब्रो हमें, अली भाई हमें जोर से सोनियाँ पड़ रही हैं, जरा आराम से बात कर रही हैं।
अभी जी इस साइड पे भी ऐसे ही कॉम्स लेंगी सारी। हाल में भी कंप्लीट लग रहा था और ये कॉम्स लगने के बाद बिल्कुल इसकी लुक कंप्लीट हो गई। पीछे से कर्व देखने कैसे जा रहा है इसका कॉम का, ये चीज़ देख कर पीछे से कैसे जा रहा है। सीधी सीधी नहीं लगाई, ये भी कर्व के अंदर लगाई है। एक दफ़ा लगा के पूरे पीस उतारे हैं, ये वो सूट नहीं कर रहे थे। दूसरी साइड पे भी बिल्कुल ऐसे ही कॉन्स लगाएंगे। बम्पर को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे, इसको ब्लैक स्प्रे करेंगे, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये ब्रो तुम्हारी इस साइड की कोने भी लग गई हैं, देख लो सेम जो है। इसको खिसकाना भी तो था ली भाई पीछे, इसको खिसकाओगे आगे पीछे की तरफ खिसकाना जो है। ये चीज़ है ना, वो उस साइड का देखें, ये ज्यादा स्लोप ओके है क्योंकि इसकी जो बनावट है ना ये, हाँ जी। ये यहाँ लेंथ बाई लेंथ ओके है, मिलीमीटर इंच। अब देखिएगा ये भी, हाँ जी पीछे जाएगा ठीक है। अब और खूबसूरती है सेम, बाकी हम जब लास्ट टाइम इसको आगे करके गुलाइयां लगा के फाइनल टचिंग देंगे।